हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, भागलपुर का वेन्यू निकल चुका है कि किस जगह पे ऑडिशन होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए मैं बताता हूँ कि भागलपुर में कहाँ ऑडिशन होने वाला है और इसमें जाने के लिए आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है कि पहले ही आप लोग को ऑडिशन डेट बता दिया गया था, उसके बाद ही जो है वेन्यू बताया जा रहा है एक एक करके, ठीक है। तो भागलपुर में होने वाला है दोस्तों आपका 18 सितंबर को जो ऑडिशन होने वाला है, बैकुंठ मैरिज गाइड गाइन महादेव दाल मिल नियर यूनियर बैंक मिर्जान हाट भागलपुर बिहार। तो इस जगह पे जो है भागलपुर में ऑडिशन होने वाला है और इसमें जाने के लिए आपको लगभग आपको कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड का जेरोक्स लेके जा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड का जेरोक्स नहीं है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स लेके जा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको पैन कार्ड का जेरोक्स भी लेके जा सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो भी उसका भी जेरोक्स लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर उसमें से कोई एक आप लेके जेरोक्स जा सकते हैं दोस्तों, और आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म में क्या होता है ना, ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पे भरा जाता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है आपका, करता मतलब देता है आपको फॉर्म, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे फ़ोटो वहाँ पे चिपकाना रहता है और जो जेरोक्स है वो आप लोग को वहाँ पे शो करना पड़ता है आपका एज प्रूफ के लिए। तो इसीलिए आप लोग को वो चीज़ दिखाना पड़ता है। और बहुत सारे सिटीज़ में ऑडिशन हो चुका है दोस्तों, और भागलपुर में अभी ऑडिशन होने वाला है और ऑडिशन में खचा खच भीड़ हो रहा है, मतलब भीड़ इतना देखने को मिल रहा है क्या ही बताएं दोस्तों। हर कोई आ रहा है ऑडिशन देने और थोड़ा थोड़ा उनका गाना सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं। मतलब आप अगर बेहतर से बेहतर गाते हैं तो थोड़ा सा आशा कम ही रखिएगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि आशा उतना मत रखिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो भी आस लगा के आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट किसी का हो नहीं रहा है, ठीक है। हो रहा है तो बहुत कम का हो रहा है, जिसमें यूनिक अलग अलग ही क्वालिटी है, मतलब भोजपुरी लेवल का अलग ही लेवल का है, तो उसको वही होता है। और देखिए बहुत कोई ऐसे भी जा रहे हैं कि इनको भोजपुरी नहीं आता है बट भोजपुरी गाना सीख के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही अच्छा गाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो अभी आप लोग का जज रहेगी तो वो भी जज अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है, तो असम से बिलोंग करती है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो तो एक असम है, उनको भोजपुरी कैसे आया, तो भोजपुरी तो इसीलिए आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए वो मायने नहीं रखता कि आप लैंग्वेज आता है या फिर नहीं आता है। अगर आप उस लैंग्वेज में गा लेते हैं, मतलब आप ये करके उसको याद करके गा लेते हैं, तो आपका ये चांसेस रहता है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो चांसेस रहता है कि अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सब था दोस्तों आप लोग को बताना। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद होगी, और जितने भी भागलपुर वाले भाई हैं, सिंगर भाई हैं, तो उनको सबको बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से ऑडिशन दीजिएगा। और चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।